हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विश्व संवाद केंद्र जैसलमेर, प्रचार विभाग जैसलमेर। मोहन भागवत के 4 दिवसीय जोधपुर प्रचार की तैयारी बैठक संपन्न। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत 4 दिन के प्रवास पर 24 से 27 सितंबर तक जोधपुर में रहेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मीडिया हाउस विश्व संवाद केंद्र के जैसलमेर कार्यालय पर आयोजित बैठक में जैसलमेर जिला कार्यवाह जयंत दया व जिला प्रचार प्रमुख गिरिराज व्यास डवानी ने ये जानकारी उपस्थित स्वयंसेवकों को दी। जैन ने बताया कि संघ की शाखाओं के कार्य व कार्यकर्ताओं की देखरेख, विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, समाज के विभिन्न गणमान्य व प्रबुद्ध जनों से संवाद संपर्क योजना लेकर देश के सभी प्रांतों में सर संघचालक सर कार्यवाह का प्रवास होता है। उसी क्रम में इस वर्ष राजस्थान के अपने जोधपुर प्रांत में माननीय सर संघचालक का प्रवास तय हुआ है। कोरोना काल के पश्चात ये प्रथम अवसर है जब सर संघचालक जोधपुर आ रहे हैं। जयंत दया ने बताया कि 23 सितंबर को सर संघचालक जी का जोधपुर आगमन होगा व 24 सितंबर से विभिन्न बैठकों का क्रम प्रारंभ होगा। सर संचालक मोहन भागवत अपने जोधपुर प्रवास में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जोधपुर की प्रांत टोली, जागरण श्रेणी, संगठन श्रेणी अनुसार प्रांतीय कार्यकर्ताओं की बैठक, प्रांत के सभी प्रचारकों की बैठक, महानगर के कार्यकर्ताओं का प्रबोधन, चयनित गणमान्य व्यक्तियों की संपूर्ण सूची से संवाद आदि करेंगे। इन बैठकों में कोरोना काल के पश्चात निर्देशित सावधानियों के साथ मैदान पर आरंभ हुई सभी शाखाओं की स्थिति, दूसरी लहर में प्रभावित समाज जनों को स्वयं सेवकों द्वारा आवश्यक संबल प्रदान कार्य, संभावित स्थिति पर कार्यकर्ता प्रशिक्षण, शाखाओं के विस्तार व शाखा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण योजना, स्वयं सेवकों द्वारा चलाए जा रहे पर्यावरण, जल संरक्षण, वृक्षारोपण सहित ग्राम विकास, कुटुम्ब प्रबोधन, गौ संवर्धन के कार्यों पर चर्चा व समीक्षा सर संचालक अपने व्यास के दौरान करेंगे। इस अवसर में सर संचालक के साथ अभा बौद्धिक शिक्षण प्रमुख स्वांत रंजन, राजस्थान क्षेत्र कार्यवाह हनुमान सिंह, क्षेत्र प्रचारक प्रमुख श्रीवर्धन, क्षेत्र सह प्रचार प्रमुख मनोज कुमार सहित प्रांत के संचालक कार्यवाह सह कार्यवाह प्रचारक उपस्थित रहेंगे। जागरूक टीवी की जैसलमेर से अचल डांगरा की रिपोर्ट।